अलैहिस्सलाम के बारे में, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कैसे दिखता था और उसका भाई उससे दुश्मनी क्यों करता था। तो डॉक्टर जाकिर नायक उसके रिगार्डिंग जवाब देते हैं, तो सुनते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर जाकिर नायक अबाउट यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो कि कुरान में अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करा, जिसका बताया जाता है कि एक हिस्सा खूबसूरती सिर्फ दुनिया को दिया गया और तीन हिस्सा खूबसूरती उसके पास था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितने खूबसूरत होगी। अलैहिस्सलाम कुएं में खाई में गिरे हुए हैं और वो कारवान यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर निकालता है। अल्लाह ताला जैसा शायरी में बोलूंगा, मैं फानूस की तरह हिफाजत, इसलिए मैं शायरी में ज्यादा मानता नहीं हूं, लेकिन मेरी अहलिया कहती है कि आप उर्दू तकरीर करें तो शायरी कहो, तो कोशिश करता हूं मैं टूटी फूटी उर्दू में शायरी कहूं। फानूस बन के हिफाजत जिसकी हवा करे, फानूस बन के हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। लेकिन जो लचक कुरान के आयतों में है, सारी शायर को आप इकट्ठा करेंगे, जितने शायर की आप इज्जत करते हैं तारीफ करते, सारे शायर को इकट्ठा करेंगे, एक कुरान की आयत पैदा नहीं कर सकेंगे। ये अल्लाह ताला का चैलेंज है। सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में, मैं शेख फैजुर रहमान के खिलाफ नहीं हूं और उनसे माजरत चाहता हूं, वो कोऑर्डिनेटर है। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में, वह इन कुन तुम फी रेब मिम्मा नज़लना अल्लाह अब्दना, अगर आपको शक है कि हमने जो चीज नाजिल की है हमारे बंदे पे, फातू भी सूरत मिमिसली, आप एक कुरान जैसी सूरा ले आओ, मिमिसली करीब हूबहू नहीं, वज़ू शोदाकुम मिन दुनिल्लाह इन कुन तुम सादिकीन, और अपने मददगार को बुलाओ अल्लाह के अलावा जो भी आपके पास है, अगर आप सच्चे हैं, फ़इल्लम तफलू, और अगर आप नहीं कर पाएंगे, फ़इल्लम तफलू वलन तफलू, और आप बेशक नहीं कर पाएंगे, फत्तकुन नार लती फकुद नासा वलजारा अद्दतिल काफिरी, तो आप तैयार हो उस आग के लिए जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। तो जो अरबी जबान, मैं माहिर तो नहीं, जानता तो नहीं हूं, लेकिन अरबी जबान जो कुरान में जो है, सारे शायर को आप इकट्ठा करेंगे, कुरान की एक आयत के करीब नहीं आ सकेंगे। हूबहू तो छोड़िए, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं उर्दू जबान में तकरीर कर रहा हूं तो कोशिश करता हूं टूटी फूटी जबान ने, और माशाल्लाह मेरी अहलिया मेरी मदद करती है। पहले पहले वो पेपर लेती थी 51, 52, 60 गलतियां, 61, 62, 100 सेंचुरी हो गई, अभी माशाल्लाह तादाद कम होती जा रही है गलतियों की। लेकिन जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया, तो कारी साहब यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो तिलावत कर रहे, खाई में डालते उनके भाई, कारवां आता है खाई के बाहर निकालता है, लेकिन वो बाहर निकलने के पहले ही अपनी तिलावत को रोकते, मतलब वो कारी को पता नहीं था कि मानी क्या है, पढ़ते तो माशाल्लाह अच्छी किरात में, पता नहीं मानी इसलिए खाई में डालते यूसुफ अलैहि सलाम को, नमाज के खत्म होने के पहले खाई से बाहर नहीं निकालते। एक चुटकुला था, जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में तो इमाम तिलावत करता है सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। हर मुसलमान जो मस्जिद में नमाज पढ़ने आता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो कितने अल्लाह में मानता है? जो मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने आता है कितने अल्लाह में मानता है? एक में। एक भी मुसलमान ने जो दो अल्लाह में मानता है, तो ये कारी साहब किसको बोल रहे हैं? अल्लाह क्या कह रहा है हमसे? अल्लाह कह रहा है कुल, कहो, कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है। किन से? मुसलमानों से नहीं, वो लोगों से जो लोग एक अल्लाह में नहीं मानते। हम नमाज तो पढ़ते हैं सूरह इखलास, माशाल्लाह कुरान का एक दिया हिस्सा
बाहर निकलते कितने लोग गैर मुसलमान से कहते हैं कि अल्लाह एक है। इतना बड़ा मजमा है, करोड़ों लोग इस तकरीर को लाइव देख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में आपने कितनी बार सूरह इखलास की तिलावत की होंगी? कितने बार? हाँ, बेशुमार। कोई बोलेगा हजारों बार। हजार बार तो की होंगी ना, अगर नमाजी है तो आप, अगर नमाजी है, नमाजी नहीं तो अलग बात है। अगर नमाजी है तो हजारों बार तो तिलावत की होंगी। अगर आप 40 साल के 50 साल के हैं तो हजारों बार तो की होंगी। मैं पूछना चाहता हूं, आपने कितने गैर मुसलमानों से कहा कि अल्लाह एक है? हजार, 100, 50 से तो कहा, 10 से तो कहा कि आज तक के तो शायद अल्लाह ताला आपको माफ करेगा क्योंकि आपने तवज्जो नहीं दी होगी। आज के बाद आपने जाकिर की तकरीर तो सुनी है कि जब आप सूरह इखलास पढ़ते हैं कुल हो अल्लाह हद, उसकी मानिए कहो उन लोगों से जो लोग एक अल्लाह में नहीं मानते कि अल्लाह एक है। आज के बाद अगर आपने सूरह इखलास की तलावत की और बाहर जाके उसके ऊपर अमल नहीं किया तो शायद अल्लाह ताला आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आज आप जानते हैं कि सिर्फ कुरान की आयत पढ़ना जरूरी नहीं है, उसके ऊपर अमल करना भी जरूरी है। तो मेरे तकरीर सुनने के फायदे भी होते, नुकसान भी होते। अगर अमल करेंगे तो फायदा होगा, नुकसान करेंगे तो वो लोग बोलते हैं ना कि कच्चा लाइसेंस और पक्का लाइसेंस। कच्चा लाइसेंस है तो आपको दंड आधा पड़ता है, पक्का लाइसेंस है डबल पड़ता है। अभी आप जानते हैं कि सूरह इखलास के मानी क्या पहले भी जानते होंगे लेकिन अमल नहीं करते होंगे। तो अभी अगर आप नमाज में अगर इमाम कहता है कुल अल्लाह वाद, उसका मतलब आपसे कह रहा है कि कहो वो लोगों से जो एक अल्लाह में नहीं मानते कि अल्लाह एक है। कितने लोग इसके ऊपर अमल करते हैं? कितने लोग? एक आपका एक मुलाजिम है, बहुत मुलाजिम जो वक्त का बहुत पाबंद है, बराबर टाइम पे आता है, बहुत आपकी तारीफ करता है, बराबर टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, आपकी तारीफ करता है। आप बोलते भाई साहब जरा पानी का ग्लास लेके आओ, वो बोलता है मेरा मालिक बहुत अच्छा है, बहुत दयालु है, लेकिन पानी का ग्लास नहीं लेके आता है। बहुत तारीफ, तारीफ के पुल बांध रहा है, हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा है। आप बोलेंगे ये खत मेरे दोस्त को पहुंचाओ, मेरा मालिक बहुत अच्छा है, मेरा मालिक बहुत महान है, तारीफ कर रहा है, हाथ बांध के सिर झुकाए खड़ा है, आपका कहना नहीं मानता है, आप क्या करेंगे? उसकी सैलरी बढ़ाएंगे? आप उसको बोनस देंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसी तरीके से अफसोस की बात है, अक्सर हम कहते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, कहते हैं तारीफ करते अल्लाह अकबर, तारीफ तो बहुत करते हैं लेकिन क्या अल्लाह का कहना मानते? इबादत का मतलब बंदगी, अल्लाह जो हुक्म दे रहा है हमें उसके ऊपर अमल करने को कहते हैं बंदगी। वो तो अल्लाह के रसूल की हदीस है, इसीलिए हम मुसलमान बच गए। अल्लाह के रसूल फरमाते कि वो अल्लाह की रहमत के बिना कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, सिर्फ अमाल पे। अगर हमारे अमाल के जरिए हम सिर्फ जन्नत में जाएंगे तो एक भी इंसान दुनिया में जन्नत में नहीं जाएगा। एक साहब अल्लाह के रसूल से पूछते, या अल्लाह के रसूल क्या आप भी? तो वो कहते हाँ मैं भी। जब अल्लाह के रसूल जो सबसे बेहतरीन इंसान है, सबसे बेहतरीन मिसाल है हमारे लिए, वो अल्लाह के रहमत के बिना जब नहीं जा सकेंगे तो हम क्या है? इसीलिए अल्लाह की रहमत है, वो रहमान और रहीम, इसलिए हम बच गए। तो सिर्फ लिप सर्विस से काम नहीं चलेगा। मैं मिसाल देता हूं, आप बीमार होते हैं, तो बीमार होते तो किसके पास जाते हैं आप? डॉक्टर के पास। आसान सवाल, आसान जवाब, इसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं। आप जाते डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन